नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। पाकिस्तान में हुए ननकाना गुरुद्वारे पर हमले के विरोध में अमरोहा सदर के एसडीएम को मुस्लिम कमेटी के बैनर तले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ज्ञापन सौंपा और पाकिस्तान की इस कायराना हरकत की निंदा करते हुए पाकिस्तान हाय हाय के नारे लगाए। बता दें कि पाकिस्तान के ननकाना में हुए गुरुद्वारे पर हमले के बीच मुस्लिम समुदाय के लोग आज सड़क पर उतर आए और उन्होंने गुरुद्वारे के हमले के विरोध में राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा और भारतीय सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इस पूरे मामले में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मुस्लिम कमेटी के बैनर तले ज्ञापन सौंपकर कहा कि ये एक निंदनीय घटना है और इसका हम विरोध करते हैं। उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि भारत सरकार पाकिस्तान सरकार को इसके लिए सख्त निर्देश दें। पाकिस्तान में जिन सिखों का धर्म परिवर्तन कराया गया है उन्हें पुनः अपने धर्म में वापस भेजा जाए और इसके अलावा जिस युवक की वहां हत्या की गई है उसके भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कड़े शब्दों में निंदा की। हाय हाय पाकिस्तान, हाय हाय पाकिस्तान, हाय हाय पाकिस्तान, हाय हाय पाकिस्तान, हाय हाय पाकिस्तान। ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे सिख भाइयों का एक पवित्र स्थल है जिसको ननकाना साहिब गुरुद्वारा कहते हैं। अभी परसों इसके ऊपर कुछ शरपसंदों ने हमला कर दिया, पथराव किया और कल एक युवक की वहां पे हत्या भी कर दी। तो हमें इस बात के ऊपर गुस्सा है और हम नहीं चाहते कि मुसलमानों का नाम चंद फिरका परस्त लोग बदनाम करके। हमारी मांग ये है कि पाकिस्तान लाहौर स्थित ननकाना साहिब गुरुद्वारा जो पवित्र धार्मिक स्थल है, जिन लोगों ने हमला किया उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। घटना में शामिल भीड़ व आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। नंबर दो ये कि पाकिस्तान में जबरन सिखों का धर्मांतरण पर रोक लगाई जाए। जिन सिखों को जबरन धर्मांतरित किया गया है उसे तत्काल सिख धर्म में वापस किया जाए। प्राइम न्यूज 24 के लिए कविंद्र सिंह गजरौला की रिपोर्ट।